नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टी कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। मैंने इसमें 3 कलर इस्तेमाल किए, आप चाहें तो इसमें बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे, दूसरे कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए, 2 फंदे के बाद हम ऐसे सिलाई डालेंगे। ये हमने किसी फंदे में नहीं डाला, बल्कि कि दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डाला है। देखिए, और एक लूप बना लेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 2 फंदे के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में ऐसे हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ लेके एक बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने 2 फंदे से 3 फंदे बना लिए, 2 फंदे से 3 फंदा बना लिए। अब इसे गिरा देंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदे के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए, देखिए ऊन हमारा हमारी तरफ है, एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, यानी ऐसे जाली देते हुए सीधा फंदा। और अब इन दोनों फंदों को ऐसे गिरा देंगे, 2 और 3 के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर इन दोनों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और बैक लूप से पीछे की तरफ से एक सीधा फंदा बना लेंगे। एक बार हमें 2 फंदों के बाद सिलाई डालना है, एक लूप निकालना है, फिर ऊन को अपनी ओर करना है, ये दूसरा फंदा हो जाएगा, फिर इन दोनों फंदों में बैक साइड से हम ऐसे पीछे की तरफ ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। दो दो फंदे से 3-3 फंदा बनाना है, एक ये लूप रहेगा, दूसरा सिलाई अपनी ओर करें, धागा अपनी ओर करेंगे, यानी ये जाली बन जाएगा दूसरा फंदा, और यहाँ पे 2 फंदों को बैक साइड से तोका एक कर देंगे, तो ये तीसरा फंदा। 2 से हमने 3 फंदे बना लिए, इसे गिरा देंगे। इसी तरह 2-2 फंदों से 3-3 फंदे बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और दूसरी लाइन में हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 और 2, ये, और जो हमने ये लूप लिया था इसे हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2, तीसरे फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। 2 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2, और तीसरे वाले फंदे को, लूप को हमें स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे सामने की तरफ। पहले फंदे को
सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे। ये दो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, एक दो, ऊन दूसरी ओर करेंगे और ये जो हमारा लूप था इसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर लूप को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, इन दो फंदों को हमें उल्टा बुनना है, एक दो, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे। अब लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। लूप को हमें दाहिनी सिलाई में ले लेना है, फिर ऊन को अपनी तरफ करना है, दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, एक दो, उल्टा बुना, ऊन दूसरी ओर, लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब हमारे वापस दो फंदे हो गए हैं। लूप को हम ऊन को दूसरी तरफ रखे रहेंगे, लूप को उठाएंगे और दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों को हमें उल्टा बुनना है, एक दो, ऊन दूसरी ओर करेंगे, लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे ले जाते हुए गिरा देंगे। अब फिर लूप को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे, लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। देखिए ये हमारा खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है। लूप को दाहिनी सिलाई में लिया, धागे को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे, अब फिर हम लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। देखिए हमारे दो फंदे फिर वापस दो फंदे हो गए। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा से हम सीधा बुन लेंगे तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। चौथी लाइन पूरी उल्टी बुन ली जाएगी। चार लाइन का हमारा डिजाइन बन गया। अब हम अपने मेन कलर के ऊन से चार लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी सामने से सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पांचवी लाइन में सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे, छठी लाइन में सभी फंदे उल्टे, सातवीं लाइन में सभी फंदे सीधे और आठवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। चार लाइन प्लेन बनाने के बाद आप चाहें तो इसी कलर को दोहराइए या फिर तीसरा कलर लगा सकते हैं। आप इस डिजाइन को या तो मल्टी कलर में बनाइए या फिर दो रंग में बनाइए या फिर सिंगल कलर में भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स डिजाइन कितना खूबसूरत है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।